हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब साईं के जन्मस्थान विवाद की खबर। साईं बाबा के जन्मस्थान विवाद को लेकर आज मुंबई में अहम बैठक होनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शिरडी और पाथरी के लोगों से मुलाकात करेंगे। साईं जन्मस्थान विवाद पर क्या कोई रास्ता आज निकल पाएगा, इसको लेकर सबकी नजरें उद्धव ठाकरे की अहम बैठक पर है। विवाद खत्म करने के लिए उद्धव ने आज शिरडी और पाथरी के लोगों को मिलने के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले शिरडी ग्राम सभा ने शहर बंद के फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि अगर बातचीत का फैसला उनके हक में नहीं रहा तो आंदोलन जारी रहेगा। उद्धव जी साहब ये भूमिका स्पष्ट करेंगे, समझो ये सकारात्मक भूमिका नहीं हुआ तो हम फिर वापस आंदोलन चालू करेंगे। आप क्या उद्धव ठाकरे के सामने क्या बात रखने वाले हैं? हम एक ही बात करने वाले हैं, जो हमारा जन्मस्थल है साई बाबा के बारे में, सर्वधर्म समभाव का सर्वधर्म समभाव की शिकन देने वाले बाबा है, उनको किसी जात धर्म पंथ मालूम नहीं था, जिसका जन्मस्थल मालूम नहीं था, और हमारा जो साई चरित्र है वो हमारे लिए पवित्र है, उनके वो साई चरित्र में बाबा का जन्मस्थल पंथ और कोई जात और जन्मस्थल का उल्लेख नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता संभालते ही पाथरी को साई का जन्मस्थान माना और इलाके के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस फैसले का शिरडी में जबरदस्त विरोध हुआ। बंद का ऐलान किया गया तो शहर में रैली भी निकाली गई। दरअसल ये सद्भावना परिक्रमा उद्धव ठाकरे के उस बयान के विरोध में निकाली जा रही है, जिसमें कि उन्होंने यहाँ से 250 किलोमीटर के फासले पर पाथरी नाम का जो गाँव है उसे साईं बाबा का जन्म स्थल बताया है। भक्त भी पूछ रहे हैं कि जब बाबा ने अपने जन्म स्थान और धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं बताया तो अब सरकार ऐसा फैसला क्यों ले रही है। आपत्ति उद्धव ठाकरे के बयान पे इसलिए है कि उन्होंने जो बात कही कि हम लोग जो गांव विकसित करेंगे वो पाथरी गांव, वो बाबा का जन्म गांव करके विकसित करेंगे, वो जन्म गांव पे हमें आपत्ति है। बाबा ने कभी बताया नहीं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा गांव कौन सा है, मैं कहां से आया हूँ, बाबा ने कभी बताया नहीं। बाबा ने श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक ये वैश्विक मूल मंत्र दिया है, सर्व धर्म समभाव का यहाँ पर एक मूल मंत्र दिया है जो कि विश्व का कल्याण करने वाला मंत्र है। साईं के जन्म स्थान पर एक फैसले ने विवादों का पिटारा खोल दिया है, अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। सबका मालिक एक है बोलता है और सब जगह है वो। मैं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया में, अमेरिका जापान में सब जगह जो साईं बाबा के बहुत बड़े बड़े मंदिर है, तो मैं समझता हूँ कि भाई ये ठीक है, अभी इसके ऊपर जो है जन्म स्थल कौन सा है, क्या कौन सा धर्म कौन सा जात कौन सा, इसके ऊपर जो है कोई झगड़ा होना विवाद होना ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। अब सवाल ये भी है कि आज उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेंगे, क्योंकि शिरडी ग्राम सभा ने फिर से बंद की धमकी दी है, तो वहीं फैसला हक में नहीं होने पर पाथरी के लोगों के नाराज होने का खतरा है।